नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की। और आज की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय में। कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों? जैसा आप देख पा रहे हैं, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। एंड अगर प्रमुख डेट्स की बात कर लें दोस्तों, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 27 नवंबर 2019 है। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो 18 दिसंबर 2019 है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन कॉपी है वो विश्वविद्यालय पहुँच जाने की जो लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2019 है। तो चलिए आप जल्दी से देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों तरह की वैकेंसी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो यहाँ पर पे स्केल अगर बात करें तो लेवल 10 है, ठीक है। और लेवल 10 किसके आधार पर है? जो ये CPC है 7th पे, उसके आधार पर। अलग अलग पोस्ट की अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए यहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग तरीके से हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसमें अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एक पोस्ट है अनरिजर्व की। देखिए, हम आपको बता दें दोस्तों कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है बिल्कुल लास्ट में दी हुई है, जबकि स्टार्टिंग में यहाँ पर आप प्रोफेसर की वैकेंसी देख पा रहे हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर की, और बिल्कुल लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी नहीं, मैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करता हूँ। तो अब हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द केमिस्ट्री, यहाँ पर OBC की एक पोस्ट है और EWS के लिए भी एक पोस्ट है। सिमिलर डिपार्टमेंट ऑफ द लाइन साइंस में अगर हम बात करते हैं तो EWS की एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी EWS के लिए एक पोस्ट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी यहाँ पर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर अनरिजर्व की दो पोस्ट हैं, OBC की एक पोस्ट है और EWS की एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कोई पोस्ट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी एंड पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो EWS में एक पोस्ट है, और एक ही EWS पोस्ट में है डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में। सिमिलरली डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी एंड आर्कियोलॉजी में OBC के लिए एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस में अगर बात करते हैं तो नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में अनरिजर्व की एक पोस्ट है और EWS की दो पोस्ट हैं। सिमिलरली फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़ में EWS की एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में भी EWS की एक पोस्ट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए भी देखिए यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर पेडागॉजी आप लैंग्वेज इंग्लिश की बात करते हैं तो अनरिजर्व एक पोस्ट, ST एक पोस्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह जो पेडागॉजी आप सोशल साइंस में जियोग्राफी है, इसके लिए OBC में एक पोस्ट है। हिस्ट्री में अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। फिजिक्स में EWS के लिए एक पोस्ट है। एंड ये साइंस के अंतर्गत जो है बॉटनी प्लांट साइंस, इसमें से ST के लिए एक पोस्ट है। SC के लिए एक पोस्ट आपको मिल जाएगी जूलॉजी एनिमल साइंस में। एंड पेडागॉजी आप मैथमेटिक्स में अनरिजर्व एक पोस्ट है। एंड ये फाउंडेशन कोर्स है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है। ओपन EWS के लिए एक पोस्ट है। फाइन आर्ट्स यहाँ पे देखे दिया हुआ है विद BEd के लिए, आप देख पा रहे होंगे। एंड ये टोटल SC के लिए एक पोस्ट है। सिमिलरली यहाँ पर म्यूजिक ड्रामा थिएटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक अनरिजर्व के लिए पोस्ट है। और फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर भी अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों पोस्ट है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा। कुछ जो प्रमुख बातें उन पर बात कर लेते हैं। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में PG 55% मार्क्स प्लस नेट आपका होना चाहिए। और जो छूट मिलती है परसेंटेज में अकॉर्डिंग कैटेगरी, वो भी अप्लाई हो गई यहाँ पर। एंड डिटेल में फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे, एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखी हुई है www.cusb.ac.in। अधिक डिटेल के लिए आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये PDF है, ये बहुत डिटेल में नहीं है, फिर भी प्रमुख प्रमुख बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2000 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर नोट
यदि साफ साफ लिखा हुआ है तो 2000 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, जबकि 1000 रुपये है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फी कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो फी मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, एसबीआई कलेक्ट ओनली, तो ये ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा। यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट ऑफ कंसीडर एंड इनवाइट एक्सेप्शनली सुटेबल कैंडिडेट इन द अब्सेंसिया, यहाँ पे दिया हुआ है। खैर, इसके बाद आपको प्रिंट कॉपी लेना है अप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। आपको सारे इंक्लोजर लगाना है, फिर रिसिप्ट भी लगानी है, और सबको आपको जो है बिजनेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर, एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार SS7 एंड गया पंचानपुर रोड, मैं देख नहीं पा रहा हूँ पीडीएफ में, एक सेकेंड, विलेज करथरा पोस्ट फतेहपुर PS टिकारी गया एंड आगे 824236 बिहार, लेटेस्ट बाय 23rd December 2019 बाय द स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट या कुरियर ओनली, किसी भी तरीके से आप भेज सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। मेरा ये मानना है कि अगर एक भी पोस्ट आती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है। एंड आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।